नमस्कार बच्चों, मैं वंदना परगनिया शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उपरवारा से आज हम कक्षा 8वीं विज्ञान से पाठ 9 प्रकाश का अपवर्तन को समझेंगे। आप लोगों ने बहुत से खेल खेले होंगे, किसी कांच को लेकर चमकाया होगा या कभी दर्पण को लेकर के हम चमकाते हैं। धूप में ले जा करके जब हम दर्पण को लेकर खड़े होते हैं तो उसका प्रकाश दूसरी ओर चमकता हुआ दिखाई देता है। यह सब तो आपने कक्षा 7वीं में समझा ही है कि ये कौन सा यह क्या हो रहा है। जब हम आईने को लेकर के या दर्पण को लेकर के धूप में खड़े होते हैं और उसका प्रकाश दूसरी ओर पड़ता है उससे टकरा करके, तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन। इस कक्षा में हम प्रकाश का अपवर्तन को समझेंगे। अपवर्तन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अपवर्तन मतलब मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने पर प्रकाश तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। अर्थात कैसे? देखिए, आपके सामने एक गिलास रखा हुआ है कांच का, उसमें पेंसिल डली हुई है। जहां पर अभिलंब दिखा है उस स्थान से यदि हम देखते हैं तो हमें पेंसिल सामान्य दिखाई देगी, लेकिन हम गिलास को थोड़ी दूर रखें और देखें तो क्या होगा? पानी में डूबा हुआ भाग और पानी के ऊपर का हिस्सा दोनों आपको अलग-अलग दिखाई देगा। देखिए, एक दूसरा उदाहरण भी है जिसमें पेंट ब्रश डला हुआ है। उसमें भी आपको ब्रश का निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों दो भागों में दिखाई दे रहा है। अर्थात क्या हो रहा है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से होकर के गुजरती है तो इसके संचरण की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये हमें मुड़ी हुई सी दिखाई देती है, तो यह कहलाता है अपवर्तन। अब इसके पश्चात एक प्रयोग हम करेंगे। प्रयोग क्या होगा? एक कांच का गिलास लेंगे, उस गिलास में थोड़ा सा दूध घोल मिला देंगे। अब दूध मिलाने के बाद हम एक गत्ते का टुकड़ा या आपके घरों में आसपास कहीं पे पुट्ठे का टुकड़ा या कोई मोटी चीज यदि आपको मिले तो उसे छोटा सा छेद करें उसमें। अब आप टॉर्च लेकर के किसी अंधेरे कमरे में जाएं और गिलास को टेबल पर रख दें। टेबल पर रखने के बाद टॉर्च के सामने जो पुट्ठा आपने लिया था, जिस पर आपने छेद किया था, उस गत्ते के टुकड़े को या पुट्ठे को टॉर्च के सामने रख दें और टॉर्च को जलाएं। जब आप टॉर्च के जलाएंगे तो जो प्रकाश किरण निकलेगी उसे आप ग्लास में फोकस करें या ग्लास पर डालें। जब आप ग्लास पर उस प्रकाश किरण को डालेंगे तो आप क्या देखेंगे? प्रकाश किरण एक स्थान से जा रही है पर बिल्कुल उसी दिशा में सीधी किरण के रूप में गुजरती हुई दिखाई आपको नहीं देंगी। आप यदि देखें तो स्पष्ट आपको प्रकाश किरण मुड़ी हुई दिखाई देगी। यदि इतना सब नहीं करना तो इसका एक बहुत ही सरल उपाय है। आजकल तो लेजर लाइट बहुत आसानी से उपलब्ध है ना? तो लेजर लाइट लीजिए और लेजर लाइट से आप फोकस कीजिए या लेजर लाइट को ग्लास में जला करके देखिए ग्लास के बाहर, तो भी आपको प्रकाश किरण मुड़ती हुई मुड़ करके गुजरती हुई दिखाई देगी। यह क्या है? ये है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती है, सघन माध्यम से होकर के जब प्रकाश किरणें गुजर रही हैं तो वो क्या हो जा रही हैं? मुड़ जाती है। इसे ही हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जो उदाहरण मैंने बताया उसे प्रिज्म के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। अब है
प्रकाश का अपवर्तन को हम समझने के लिए एक और प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लेजर लाइट का उदाहरण दिया। यहाँ पर देखिए, कांच की स्लैब लिए हैं, या कांच का गुटका जिसे हम कहेंगे सामान्य भाषा में। कांच के गुटके को लेकर के उस पर लेजर लाइट डाली गई, और इस लेजर लाइट को यदि आप देखें तो इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि जिस स्थान पर प्रकाश किरणें कांच के गुटके के अंदर प्रवेश कर रही है, वहां पर से किरणें मुड़ गई हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार अपवर्तन हो रहा है। एक और प्रयोग होता है, देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक बीकर है जिसमें सिक्का है। ये खेल आप अपने घरों में जरूर खेलिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा कि देखो मैं एक जादू दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। एक सिक्का लेंगे, उसे ग्लास के अंदर डाल दीजिए, और डालने के बाद उनसे कहे कि समान तल पर आकर के देखे। जब वो देखेंगे तो निचले तल पर जब जो सिक्का आपने डाला है वो उन्हें दिखाई नहीं देगा। अब आप क्या करें, उस ग्लास में पानी डालिए, पानी ऐसे डालिए कि सिक्का हिलने ना पाए, ग्लास के बिल्कुल किनारे से पानी डालिए। जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखिएगा आपके साथी को सिक्का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सिक्का क्यों दिखा? क्योंकि जैसे ही आपने पानी डाला, पानी की सतह से प्रकाश का अपवर्तन हुआ और सिक्का आपको दिखाई देने लगा। चलिए, इसके लिए और अच्छे से समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, तुमने प्रकाश को कभी किरणें सीधी रेखा से नहीं चलेगी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और एक नई घटना अपवर्तन या रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। अपवर्तन को समझने के लिए हम एक बहुत दिलचस्प एक्टिविटी करके देखेंगे जिसे हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक सिक्के और पानी की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम धीरे धीरे अपनी जगह से पीछे की ओर जाओ। जब तक सिक्का दिखाई देना बंद ना हो जाए, क्या अभी तुम्हें सिक्का दिखाई दे रहा है? नहीं, अब नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं इस प्रयोग के लिए सिक्के को बिना हिलाए पानी में डालूंगी। क्या तुम्हें कोई फर्क नजर आ रहा है राहुल? अब मुझे सिक्का दिखाई देने लगा है, मगर अच्छा ये कैसे संभव? ये बिल्कुल संभव है, इसको हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश की किरणें सिक्के में पड़ने के बाद परावर्तित होकर तुम्हारी आंखों पर गिर रही थी, लेकिन जब मैंने इस प्रयोग में वो पानी से धो दिया तब किरणें परावर्तित ना होकर बल्कि अपवर्तित होकर तुम्हारे आंखों पर पड़ी, जिस कारण सिक्का दिखाई देने लग गया। क्या प्रकाश ने अपवर्तित होने के बाद अपना रास्ता रोक लिया? बिल्कुल ठीक सर, लेकिन इसे पानी से समझने के लिए बिंदु को O' का नाम दें। O और
देखा और अपना तत्व तो बीच के कोण को नाप लिया। आपतन और निर्गमन यह परावर्तन कोण जानने के लिए अपवर्तन कोण को नाप आपको सिर्फ एक सीधी रेखा खींचनी है। यदि ओ और ओ डैश को जोड़ा जाए तो प्रतिबिंब की तरह सीधी रेखा ना बनकर एक रिफ्लेक्शन नजर आएगा। प्रकाश के विभिन्न पारदर्शी माध्यम के रास्ता बनाने की जो प्रक्रिया होती है अपवर्तन या रिफ्लेक्शन समझा होगा वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार हम कांच के गुटके से में अपवर्तन को दर्शा सकते हैं, साथ ही साथ अपवर्तनांक क्या है इसे हमने वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा। अब आते हैं लेंस। लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ गोल होता है तथा दूसरा पृष्ठ गोली या समतल होता है। आप लोगों ने अपने आसपास किसी को चश्मा लगाए हुए जरूर देखा होगा। आपने उनके चश्मों से झांक करके देखा है या आपने स्कूल में सूक्ष्मदर्शी देखा होगा। सूक्ष्मदर्शी से जब आप देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं, कुछ ऐसा। बीच से मोटे ये जो भाग है, बीच से मोटे और किनारे पर पतले, ये है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस बिल्कुल इसके उल्टा। अगर हम कहें हाथों को ऐसा रख करके तो बीच से पतले और अपने किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होते हैं वो किरणों को अभिसारित करते हैं। अभिसारित मतलब किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं किरणों को, जबकि अवतल लेंस क्या करते हैं? अवतल लेंस किरणों को अपसरित करते हैं। अपसरित अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित ना करके उसे फैला देते हैं।
इसलिए क्योंकि उत्तल लेंस एक स्थान पर या एक बिंदु पर, माफ कीजिएगा, स्थान नहीं, एक बिंदु पर किरणों को अभिसरित करता है या केंद्रित करता है, जिसके कारण हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस इन किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इन्हें हम अपसारी लेंस कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे अपसारी लेंस। देखिए अब चित्र में मैं जैसा आपको करके बता रही थी, हाथों के माध्यम से उत्तल लेंस बीच में मोटा है और किनारों पर पतला, जबकि आप अवतल लेंस को देखें तो बीच में पतला है और किनारों पर मोटा। ये लेंस के कुछ प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के। इनके इनके बारे में हम आगे की कक्षाओं में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब जहां पर कि वो फैला हुआ भाग, जैसे कि आप उत्तल लेंस में देखिए, इसका वक्रता केंद्र इस स्थान पर होगा। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। दोनों चित्रों में देखिए, C1 और C2 के माध्यम से मुख्य अक्ष को दर्शाया गया है। दूसरा है प्रकाश केंद्र। यह लेंस का केंद्र है जिसमें से होकर के प्रकाश बिना मुड़े गुजर जाता है, जिसे हम दर्शाते हैं ओ से। आपने ग्लास स्लैब में भी देखा था कि किस प्रकार प्रकाश किरण एक स्थान पर बिना मुड़े हुए भी गुजरती है। वह पॉइंट दर्शाया गया था जहां पर से प्रकाश किरणें सीधे गुजरती, लेकिन उसमें प्रकाश किरणें मुड़ रही थी। यहाँ पर लेंस में वह स्थान जहां पर प्रकाश किरणें बिना मुड़े गुजरती है, वह स्थान कहलाएगा प्रकाश केंद्र। उसके बाद आ जाते हैं मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब उसके बराबर, जो मुख्य अक्ष कौन सा है, बीच की लाइन C1 और C2, उसके बराबर, समानांतर मतलब बराबर, समानांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद, लेंस से जब निकलती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब जो बीच का जो लाइन अक्ष है, मुख्य अक्ष है, उसके जिस बिंदु पर जाकर के मिलेगी उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यह कहलाता है मुख्य फोकस। आइए हम देखें कुछ नियम लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के, कुछ नियम किस प्रकार, कुछ विशेष नियमों के आधार पर ही लेंस पर प्रतिबिंब बनते हैं। जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है बिना विचलन के, मतलब बिना मुड़े, विचलन अर्थात मुड़ना, बिना मुड़े होकर के गुजर जाती है, उसे देखिए। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में देखिए कि प्रकाश केंद्र से होकर के प्रकाश किरणें सीधे गुजर जाती है, तो ये कहाँ पर काट रही है, ओ पर। ओ क्या है, प्रकाश केंद्र, जो हमने पिछला परिभाषा पढ़ा था वही। दूसरा है जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तीसरा है
जो किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है या मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है, वह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अर्थात यहाँ पर देखिए, आपको एरो निशान या तीर के निशान के माध्यम से प्रकाश किरण की दिशा को समझाने का प्रयास किया गया है। मुख्य फोकस से होकर के जो प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में फोकस की गई है, वो उत्तल लेंस में मुख्य को समानांतर होकर के गुजर रही है, जबकि अवतल लेंस में प्रकाश किरणें ऊपर की ओर से फोकस की गई है, तब जाकर के वो समानांतर होकर के गुजर रही है। दोनों की दिशा में अंतर है। अब ये एक खेल है जो आप लोग जरूर खेलते होंगे, है ना? आप लोगों ने लेंस लेकर के कभी कागज जलाने का काम किया है? अभी सारी लेंस या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को लेकर के हमने धूप में बहुत बार देखने का प्रयास किया है, चीजों को देखा है, साथ ही साथ खेल खेल में हमने कागज जलाने की भी कोशिश की है। आपने कोशिश की होगी जरूर, नहीं की है तो किसी बड़ों के साथ मिल करके इसे करने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको चाहिए एक उत्तल लेंस और एक कागज। आप कागज और उत्तल लेंस को लेकर के सूर्य की प्रकाश में जाएं, कागज को नीचे रखें और उत्तल लेंस को इस प्रकार कागज पर फोकस करें कि वो एक ही बिंदु पर लगातार सूर्य की किरणें फोकस होती हो या फोकस हो रही हो एक ही बिंदु पर। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि जिस स्थान पर प्रकाश की किरण या जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण फोकस हो रही थी, वो क्या होगा? जलना शुरू हो जाएगा, जलने लगेगा। इसका अर्थ क्या है? इस प्रयोग से हमने क्या समझा कि उत्तल लेंस जो है वो क्या कर रहा है? सूर्य की किरणों को अभिसारित कर रहा है, जिससे कि उसकी ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा एक बिंदु पर केंद्रित हो गई और कागज जलने लगा। ये बहुत अच्छा खेल है, आप लोग करके देखिएगा कभी। अब है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। आपने आईने में अपने आप को जरूर देखा होगा। जब आप आईना देखते हैं तो क्या आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा आपने कोई चीज या कोई वस्तु को अपने शरीर पर धारण किया हो या पहन रखा हो? मुझे तो नहीं दिखता, आपको दिखाई देता है? मुझे तो थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है। कोई वस्तु मैंने अपने दाएं हाथ में रखी हुई, दाएं हाथ में पकड़ के मैं आईने पर देख रही हूँ, वो मुझे आईने पर बाएं साइड दिखाई देती। तो चलो एक प्रयोग आपको करना है। एक उत्तल लेंस लेंगे, मोमबत्ती और एक आईना या दर्पण। आप बीच में लेंस को रखें और लेंस के दोनों ओर, एक तरफ मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, और दूसरी ओर दर्पण। जब मोमबत्ती जलती हुई आप रखेंगे, उसे हम दर्पण पर देखने का प्रयास करेंगे। अर्थात मोमबत्ती की किरणें या मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो किससे होकर के गुजर रहा है? उत्तल लेंस से। अब जब आप उत्तल लेंस से होकर के यह प्रतिबिंब बन रहा है या गुजर रहा है, तो आपको दर्पण पर वह प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? कभी किया है आपने? नहीं किया होगा तो जरूर करके देखिएगा। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब आपको कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है।
ये प्रतिबिंब ज्यादा चमकीला भी होगा, जितना आपने मोमबत्ती को जलते हुए आप देख रहे हैं उसकी अपेक्षाकृत वो अधिक आपको चमकीला भी दिखाई देगा। और लेंस के सापेक्ष बदलने पर प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति भी बदल जाएगी। इसके स्थान पर आप दोनों लेंसों को रख के देखिएगा, ये प्रयोग आपके करने के लिए है। यहाँ पर तो हम उत्तल लेंस के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप अवतल लेंस के साथ भी ये करके देखिए कि आपको प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। इस आधार पर जो अभी हमने उदाहरण दिया, उस आधार पर जब हम विभिन्न लेंस, यहाँ पर हम उत्तल लेंस को ले रहे हैं, उत्तल लेंस में आप प्रतिबिंब को दे उत्तल लेंस के माध्यम से जब आप प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार से होगा ये मैं आपको अब नहीं समझाने वाली, ये तो आप करके देखेंगे और इस पूरी सारणी को भरेंगे भरेंगे ना। चलिए कुछ उदाहरण है यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं कि उत्तल लेंस से होकर के जब प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो किस प्रकार आपको दिखाई देंगी, या अपसारित होंगी या अभिसारित होंगी, आप बताएंगे मुझे। उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें अपसारित हो रही है या अभिसारित हो रही है, या अवतल लेंस में क्या हो रहा है? चित्र को देखिएगा और विश्लेषण कीजिएगा, ये आपके करने के लिए ही है। लेजर लाइट के माध्यम से आपको समझाने का इसमें प्रयास किया गया। हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना समझा, अब हम समझते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। देखिए एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जला करके रखा गया है बिंदु बी पर, और जब उससे होकर के प्रकाश किरणें, सॉरी माफ कीजिएगा, मोमबत्ती से किप से होकर के प्रकाश किरणें कहाँ पहुंचती हैं? अवतल लेंस में। और अवतल लेंस में पहुंचने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होगा? छोटा। आपने उत्तल लेंस में देखा था प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, यहाँ पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी होगा और छोटा होगा। जिस प्रकार उत्तल लेंस में अलग-अलग स्थितियों में वस्तु को रख करके प्रतिबिंब की गणना की गई थी, या किस प्रकार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा एक सारणी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया था, ठीक इसी प्रकार आप अवतल लेंस में भी करके जरूर देखिएगा। जब हम ये प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। अब है लेंस के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब प्रयोग। आवर्धक लेंस, जैसा आपने इसका उपयोग पहले ही किया सूर्य की रोशनी को फोकस करके या एक बिंदु पर ला करके कागज जलाने का काम किया, उसके अलावा और क्या काम किया? आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग पहले ही कर चुके हैं, इसके पहले पाठ में हमने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बताया था। सूक्ष्मदर्शी में होता क्या है? वास्तव में आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये जो लेंस है वो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए कुछ चित्र भी दिया गया है कि एक पेन है, उसके आधे भाग को देख रहे हैं तो वो पतला दिखाई दे रहा है। जब हम आवर्धक लेंस से उसी पेन के अगले हिस्से को देख रहे हैं तो वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? पास में और काफी मोटा, बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने विज्ञान साइंस लिखा है उसमें भी देखिए एस जो लिखा है उसकी अपेक्षा सी आई और ई, ये तीनों शब्द जो है वो आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये किसके कारण? ये है आवर्धक लेंस के कारण। इसको हम अगर कांच को, गोल कांच को पकड़ के देखने का प्रयास करें तो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हैंडल लगाया और फ्रेम में जड़ करके उसे हम उपयोग करते हैं, जो हमारा हमें उपयोग करने में बहुत आसान हो जाता है। तो आवर्धक लेंस हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, हम बहुत छोटी चीजों को आवर्धक लेंस के माध्यम से देख
देख सकते हैं। एक प्रयोग है वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी बनाने का। ये तो बहुत बच्चे आप लोग बनाते भी होंगे, है ना? इसके लिए करना क्या है आपको, एक छोटी बल्ब लेना है और बल्ब के पिछले हिस्से को निकाल, निकालने के बाद उसके अंदर के जो बारीक तार हैं उसे भी आप बाहर निकाल दे और उसमें थोड़ा पानी भर दे। पानी भर करके उसे मोम की सहायता से बंद कर दे, सील कर दे। सील करने के बाद आपको करना क्या है, एक गत्ते का टुकड़ा या रबर का टुकड़ा लेंगे, रबर का टुकड़ा लेकर के उसे गोलाकार में काटेंगे। इस प्रकार काटेंगे कि आसानी से हमारा जो बल्ब है वो उसमें फंस जाए। अब हम इस रबर के टुकड़े को दो भाग से गोल छेद करेंगे। उस छेद के ऊपरी हिस्से में, सॉरी माफ कीजिएगा, बल्ब के ऊपरी हिस्से में हम एक छेद को लगा देंगे और दूसरा नीचे, और उसके नीचे हम लगाएंगे एक दर्पण जैसा हमारे सूक्ष्मदर्शी में होता है। अब आप इस रबर के टुकड़े को ऊपरी हिस्से को और निचले हिस्से को बोल्ट के माध्यम से फंसा दीजिए ताकि इसको ऊपर नीचे करने में आसानी हो। अब आप ऊपर से, जैसा कि आपको आँख दिखाई दे रहा है चित्र में, वहां से जब आप किसी वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बड़े आकार में दिखाई देगा। वस्तु कहाँ रखनी है, सी के स्थान पर, जो छेद सी है ना वहां पर, और जो बल्ब है वो आपका उत्तल लेंस का काम कर रहा है, आवर्धक लेंस की तरह काम करेगा। और दर्पण क्या करेगा, दर्पण प्रकाश को फोकस करके वस्तु को और साफ देखने में, प्रकाश के माध्यम से देखने में मदद करेगा। तो ये आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जिस प्रकार हमने इसे बनाया उसी प्रकार हम दूरदर्शी का भी निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं हमारी आँखों के बारे में। हमारी आँखें क्या क्या देख सकते हैं हम, आपने सोचा है? बहुत से जीव तो रंग भी नहीं देख पाते। हम सारे रंगों को देखते हैं और साथ ही साथ बहुत सी चीजों को देख पाते हैं, अपने पास की चीजें, थोड़ी दूर की चीजें, और बहुत दूर की चीजों को बहुत साफ देखने में आसानी महसूस नहीं करते। धूप में जब आप निकलते हैं तो कैसा महसूस करते, आपकी आंखें छोटी हो जाती है ना, ऐसा लगता है बहुत तेज प्रकाश है, आंखों में चुभन हो रही है। क्यों होती है चुभन? चलिए इसके पीछे के कारणों को हम आज समझेंगे। मानव नेत्र जो होता है वो चित्र में देखिए गोलाकार है, सामने का भाग हमारा थोड़ा उभरा हुआ। आप अपनी आंखों को जरूर देखिएगा आज ध्यान से आईने में जाकर, सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी पर्दा लगा होता है जिसे हम कहते हैं आइरिस। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास क्षेत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पुतली। अब कॉर्निया क्या, जो सफेद वाला भाग है आपकी आंखों में वो कॉर्निया, और भूरा सा भाग है वो क्या है, आइरिस। और आइरिस के मध्य में प्यूपिल, थोड़ा सा काला छोटा सा भाग, पुतली जिसे हम कहते हैं आंखों की, है ना, वो क्या है, आपको देखने में मदद करती है। आंखों, आंखों को के माध्यम से हम कैसे देखते हैं, एक चित्र आपको और दिखाया गया है, देखिए कुछ मांसपेशियां हमें इसमें बहुत मदद करती हैं। मांसपेशियों के कारण ही हमारी आंखें प्रकाश में बड़ी, बहुत बड़ी से छोटी हो जाती है। सामान्य आप सूर्य के प्रकाश में जाइए,
आपको सूर्य के प्रकाश में आंखों में चुभन महसूस होगी। तो हमारी जो मांसपेशियां वो क्या करती है, हमारी आंखों के आकार को छोटा होने में मदद करती है, जबकि अंधेरे में हमें देखने में समस्या होती है। तो जब हमें देखने में समस्या होगी तो हमारी आंखों का आकार कैसा हो जाएगा, लेंस का आकार बड़ा हो जाएगा। हमारी आंखों में एक नेत्र लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में सबसे अंदर में एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना के बीच में एक स्थान होता है जिसे हम कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। पीत बिंदु पर ही जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसके पहले वाला सर देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा दृष्टि पटल, वो स्थान यहाँ पर उत्तल लेंस से होकर के प्रतिबिंब बनता है, तभी हमें स्पष्ट दिखाई देता है। आगे बढ़ते किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें किससे होकर के गुजरती है? हमारी कॉर्निया से। और कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस में जाकर के, जो कि उत्तल लेंस की तरह है, जाकर के प्रकाश किरणें आपतित होती है। और यहाँ पर आपतित होने के बाद प्रकाश किरणें कैसी होंगी? उत्तल लेंस में आपने देखा था प्रकाश किरणें मुड़ जाती है, मतलब अपवर्तित हो जाती है। और अपवर्तित होकर के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस में कैसा बनता था? उल्टा, है ना, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, परंतु वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। हमारी स्वस्थ आंखों से जब हम दिखाई देते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक की जो न्यूनतम दूरी है वहां तक चीजें हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। एक स्वस्थ आंख को जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है वो 6x6 का सर्टिफिकेट देते हैं। दृष्टि दोष, आपने बहुत से लोगों को चश्मा लगाते देखा होगा, घर में बड़ों को कहते सुना होगा, अरे मुझे तो चश्मे के बिना स्पष्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है, अब मैं कैसे पेपर पढ़ूं, मेरा चश्मा लाओ तभी मैं पढ़ पाऊंगा। सुना है? जरूर सुना होगा, नहीं तो हम में से कोई साथी, उन्हें भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग ये कहते हैं, अरे ये पेपर पढ़ने के लिए मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मुझे तो दूर की चीजें देखने के लिए चश्मा चाहिए। क्यों चाहिए? वो तो पास की चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, फिर भी उन्हें चश्मे की आवश्यकता है, ऐसा क्यों? ये होता है हमारे दृष्टि में दोष के कारण। कुछ लोग जिनके लेंस बहुत अधिक वक्रित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, तो जिनके लेंस फैल गए हैं उनकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उनको दूर की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो हमें क्या करना होगा? अब इसके लिए क्या करना होगा? हमें अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। दृष्टि के दोष जिसमें कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। मतलब निकट की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग हम करते हैं जिससे यह लेंस क्या करती है, किरणों को फैला करके हमारे दृष्टि पटल पर फोकस करती है। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देगी। इसके जस्ट बिल्कुल विपरीत होता है कौन सा दोष?
दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि पास की चीजें दूर, माफ कीजिएगा, दूर की चीजें दिखाई देती है और पास की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसा कि मैंने कहा कि पेपर पढ़ने के लिए मुझे चश्मा चाहिए, ये क्यों हो रहा है? हमारा जो लेंस है आंखों का वो सिकुड़ जाता है और लेंस सिकुड़ने के कारण लेंस में तनाव होने लगता है जिससे कि जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पर ना बन करके आगे बनती है और हमें दृष्टि पटल से और पीछे जा करके थोड़ा आगे जा करके प्रतिबिंब बन रहा है जिसके कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता पास की चीजें। और इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? पास की चीजों को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, इस रोग का निराकरण करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं जिससे यह प्रकाश किरणों को इस प्रकार मोड़ देता है कि वो हमें वह प्रकाश किरणें जा करके दृष्टि पटल पर ही फोकस हो या दृष्टि पटल पर ही प्रतिबिंब का निर्माण करे और हम पास की चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाए। इस रोग को हम क्या कहते हैं? मेट्रोपिया, जिसमें हम पास की चीजों को स्पष्ट नहीं देख पाते, ये वो कहलाता है हाइपर मेट्रोपिया, या सामान्य भाषा में हम इसे मेट्रोपिया भी कह देते हैं या हाइपर मेट्रोपिया या फिर दूर दृष्टि दोष। अब आगे की चीजों को समझने के लिए या इस पूरे पूरे भाग को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं, छोटा सा वीडियो हम देखते हैं, आइए। आज हम प्रकाश के बारे में फल से देने वाली आवश्यकता है। फल से जन्म से अभिलक्षण द्वारा बने एक लेंस होता है जो केंद्र पर मुद्दा होता है और लेंस प्रकाश को आंखों के पीछे परत पर केंद्रित करता है।